सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ वेस्ट्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरी वन। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। गुरु पूर्णिमा की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गुरु हमारे लाइफ में, और आज जो कुछ भी है वो हम अपने गुरु के लिए ही हैं। सो हमेशा एक ग्रैटिट्यूड अपने गुरु के लिए ज़रूर रखें। कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले अपने गुरु को याद करें, और उसके बाद अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो गुरु भी हमारे अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो माँ हमारी गुरु होती है। सो अपनी माँ को रिस्पेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। आपके पिताजी के लिए, आपके पापा के लिए, आपके फादर के लिए आप आज पढ़ पाए हैं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, उन्होंने आपको चलना सिखाया है। सो उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखें। आपके स्कूल के गुरु जो होते हैं, जो शिक्षक होते हैं आपके, उनके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखें। लाइफ लेसन्स को सिखाने में ऐसे बहुत सारे लोग अपना रोल प्ले करते हैं, उनके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड रखें। और आपको अध्यात्म के राह में जो लेके जा रहे हैं गुरु आपके, उनके लिए ज़रूर ग्रैटिट्यूड रखें। सो ऐसे गुरुएं जो हमारे लाइफ में होती हैं, जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हमें हेल्प करती हैं। सो बचपन से लेके अध्यात्म की और तक जो भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं या फिर आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, वो सारे गुरु की तरह ही होते हैं, जो कि आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। सो अपने गुरु के लिए स्पेशली ज़रूर से ग्रैटिट्यूड रखें। सो जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है, और अगर नहीं भी ली है तो भी किसी को गुरु आप ज़रूर मानते होंगे, उनको याद करके कोई भी काम शुरू करें अपने लाइफ की, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी आपने उनसे सीखा है उनको ग्रैटिट्यूड शो करें, और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। सो ये है गुरु पूर्णिमा की कुछ बातें जो कि आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी। अब हम चेक करेंगे कि इस रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं। सो कैंडल वैक्स रीडिंग मैं करूँगी आज, और आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं हम ये देखेंगे। पार्टनर जो होते हैं ना लव लाइफ हमारा, वो हमारे एक गुरु की तरह ही वो होते हैं। बहुत लोग इसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में अपने पार्टनर के साथ हैं, तो आपने प्रेम का मार्ग चुना है कि आप ग्रो कर पाएं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको जो ट्रिगर करते हैं, आप उसको ट्रिगर बोलते हो, वो आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में। आपने देखा होगा कि जितनी बार आप ट्रिगर होते हो उतनी बार आप बेटर होते हो। आप उस पास्ट की चीज़ों को रिलीज करते हो और आप बेटर होते हो, हर बार आप ग्रो करते हो। नेक्स्ट टाइम जब आप मिलते हैं तो पास्ट की कुछ चीज़ें आपने रिलीज की होती हैं और एक नई चीज़ सरफेस होती है जिसको वो ट्रिगर करते हैं। सो हम स्पिरिचुअल जर्नी में हमेशा अपने पार्टनर को एक गुरु की तरह ही देखते हैं, कि वो इंसान हमारे लाइफ में आकर हमें पुश कर रहे हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से निकालते हैं वो, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करते हैं वो। सो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। सो हम देखेंगे आज कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं आज के दिन। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है सब कुछ आपके साथ मैच करे। ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैच करती हैं, इसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। थोड़ा सा टाइम दे मुझे ताकि मैं कुछ रिचुअल्स कर पाऊँ। सो कैंडल में देखें, अपने पार्टनर को याद करें, कनेक्ट करें उनकी एनर्जी से, और मुझे अलाउ करें उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। ओपन अप नहीं होना चाहते हैं अभी इंसान, शांत रहना चाहते हैं। देखिए ड्रॉप गिर ही नहीं रहे हैं। ओके, सो यहां कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है, जहां ये इंसान अभी शांत इसलिए हैं क्योंकि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इनके ऊपर किसी ने नज़र रखी है, ठीक है, किसी से बच रहे हैं ये इंसान, और आपको सेव करते दिख रहे हैं इंसान। मतलब खुद तो बच रहे हैं और आपको भी सेव करते दिख रहे हैं। मे बी वो थर्ड पार्टी ने कुछ इनको वार्निंग दी होगी कि आपका नुकसान करेंगे, ऐसा कुछ। सो ये इंसान आपसे बचते हुए दिख रहे हैं। और एक चीज़ दिख रही है मुझे, जहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ कोई और भी लोग हैं, मतलब वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ कोई और भी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। माय गुडनेस, ये इंसान इसलिए शांत है, ये इसलिए चुप है।
इनको या तो कोई थ्रेटन कर रहा है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर थर्ड पार्टी ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया है इनको ऐसा लग रहा है, जिससे कि आपको बचाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके ऊपर कंटिन्यू किसी ने नज़र रखी है, यह थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे, ठीक है। माय गुडनेस, मुझे कोई एजेड दिख रहा है यहाँ पे, कोई एज में बड़ा दिख रहा है यहाँ पे कोई, कोई स्पेल वर्क भी हुआ है आपके ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान अभी शांत रहना चाहते हैं, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके बीच, मतलब आपके और उनके बीच अभी कुछ नहीं है, ताकि वो आपको सेव कर सके, ऐसा लग रहा है मुझे। यस, कोई फीमेल दिख रही है मुझे यहाँ पे, कोई एज में बड़ी फीमेल, या तो आपके पार्टनर से एज में बड़ी हो सकती है कोई फीमेल, या फिर कोई फीमेल ऐसी जो कि एज में बड़ी है, ठीक है। कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और ये इंसान आपको बचाना चाहते हैं उनसे, ऐसा कोई है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है ये, बट ये है किसी के लिए मैसेज, ठीक है। अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहाँ होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, थोड़ा सा सावधान रहें अगर आपके बच्चे हैं तो, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी थोड़ा सा सावधान रहें। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार जरूर है, ठीक है। यहाँ एक आई लव यू बना है, बहुत सुंदर हार्ट बना है, यू बना है, आई बना है, बहुत सुंदर एनर्जी है। ये आपसे प्यार ज़रूर करते हैं इंसान, और थोड़ा सा डिस्टेंस जानबूझ कर ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। अब सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेंगी ये एनर्जी, लेकिन ये किसी के लिए है। ये आपके पार्टनर जानबूझ के आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको वो सेफ रख सकें, और उनको पता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो या तो बच्चों को नुकसान हो सकता है, या फिर अगर प्रेग्नेंट हैं आप तो उसमें कुछ कुछ नुकसान हो सकता है, या फिर ग्रोथ जो है ना आप दोनों की, वो नहीं होने देंगे। कुछ लोग यहाँ दिख रहे हैं मुझे, ग्रोथ नहीं चाहते हैं आपकी, मतलब आप दोनों मिलो और दोनों आप बात करो, ये नहीं चाहते हैं, मतलब जो थर्ड पर्सन है वो नहीं चाहते हैं। एल लेटर बन रहा है यहाँ पे, ए बन रहा है, जितना भी जल रहा है कैंडल, लेकिन देख रहे हो ना, मतलब वैक्स नहीं निकल रहे, ड्रॉप नहीं गिर रहे हैं, मतलब ये इंसान तकलीफ में भी हैं तो भी इंसान आपसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बता नहीं रहे आपको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स, लेकिन इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। लेटर ए दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे, ठीक है। वाई भी दिख रहा है, जितने भी जोर से जल रहा है लेकिन ड्रॉप्स बहुत तेज़ी से नहीं गिर रहे, मतलब बहुत रुक रुक के गिर रहे हैं, तो ये इंसान ना जानबूझ के शांत है, चुपचाप है, ठीक है। लेटर एस दिख रहा है मुझे, ओ दिख रहा है, इंडिसाइसिव है, मतलब तकलीफें बहुत हैं इनके लाइफ में, ठीक है। फ्लेम बहुत है, देखो ड्रॉप नहीं गिर रहे हैं,
तकलीफें बहुत है, लेकिन ये इंसान शांत है, चुप रहेंगे, सहेंगे, ऐसी एनर्जी है। सबके साथ एनर्जी मैच नहीं करेगी आज की, लेकिन आप लोग को पता होगा कि किसकी एनर्जी है ये, ठीक है। किसी के लिए है बहुत स्ट्रांगली, जहाँ पे ये इंसान बात करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे और बताएंगे सारी बातें आपको, लेकिन अभी ये इंसान शांत है, चुप है, ऐसी एनर्जी है। मे बी इनका फ़ोन कोई चेक करता है, इनके ऊपर नज़र रखता है कोई, कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, या फिर इनके पीछे भी कोई जाता है देखने के लिए कि ये कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, पूरी नज़र इनके ऊपर है किसी की, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान थोड़े से इंडिसाइसिव हो रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करना है कि नहीं करना है, कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन इनको पता है कि अगर ये कनेक्ट करेंगे तो फंसेंगे ये अभी, ठीक है। सो इसलिए इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करें कि नहीं करें, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा ये इंसान अभी बुद्धिमानी से काम ले रहे हैं, चालाकी आप कह सकते हैं कि चालाकी से काम ले रहे हैं, कि ये ऐसा दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ऐसा कुछ किसी को दिखा रहे हैं। अब ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, इनकी स्पाउस हो सकती हैं, या फिर कोई भी इंसान, ठीक है, जिसको ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और थोड़ा सा मैनिपुलेशन मतलब अपने घर पर कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि आप दोनों की ग्रोथ हो सके बाद में, अभी नहीं। अभी ये इंसान जानबूझ के आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने अपना प्रोफाइल पिक चेंज किया, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल पिक बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल पिक की एनर्जी है, डीपी की एनर्जी है, ठीक है। सो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि जो आपने प्रोफाइल पिक अभी चेंज किया है बहुत सुंदर है, एक न्यू बिगनिंग ये चाहते ज़रूर हैं, ओके, लेकिन अभी ये इंसान शांत रहना चाहते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है। एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है, ऑल साइंस रीडिंग है, सारे साइंस दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ वाटर एनर्जी नहीं है, वाटर साइन। ये इंसान होपफुल हैं कि चीज़ें सही हो जाएंगी, अभी भले चीज़ें सही नहीं हैं लेकिन चीज़ें सही हो जाएंगी। एक एक वो ज़रूर न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफर आपको ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि ईगो जो है ना, ईगो वो है यहाँ ऑब्स्टिकल। अब ईगो आपका है या फिर इनका है, था पास्ट का वो, या फिर आपका भी ईगो है, शायद वो इनके लिए ऑब्स्टिकल है। लेटर वी दिख रहा है मुझे, बहुत स्ट्रांग, मुझे एक शंख की एनर्जी भी दिख रही है। तो कुछ ना कुछ ये इंसान अच्छा सोच रहे हैं ज़रूर, लेकिन अभी के लिए इंसान शांत है ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, मे बी मैनिपुलेशन से मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी इनकी एक एक गलत स्टेप जो है वो कुछ गलत कर सकती है, मतलब और चीज़ें गलत हो सकती हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान इसलिए थोड़ा सा अपने ओवरऑल लाइफ में मैनिपुलेट करके सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक यू नो एक एक्शन ज़रूर चाहते हैं, एक सडन एक्शन, मतलब ऐसा हो कि जल्दी से बात हो और आपको सबको समझा सकें ऐसा, लेकिन इनको पता है कि सडन मतलब एकदम से कम समय के लिए आपसे बात करेंगे तो ये आपको समझा नहीं पाएंगे, इनको पता है, और इनके पास इतना समय नहीं होगा कि आपको समझा पाएंगे, इसलिए ये इंसान थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, जब चीज़ें थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद ही आपसे बात करेंगे, लेकिन ये एकदम से आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है, मतलब अभी के अभी बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मिस कॉल या फिर इनका ब्लैंक मैसेज ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। माय गुडनेस, देख रहे हो बीच में एक एनर्जी है जो ये अब इनके लाइफ में चाहे जो भी है, जैसा भी सिचुएशन है, कोई और है, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे जो भी है, ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इनके लाइफ की मेन फीमेल या मेल हो, ठीक है। एकदम बीच में एक फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन मतलब एकदम फेमिनाइन नहीं दिख रही मुझे, लेकिन एक एनर्जी है जो कि मुझे ह्यूमन बॉडी दिख रही है, ओके। सो या तो मेल, मेन मेल, और या फिर मेन फीमेल, मतलब इनके लाइफ में कोई और भी अगर हैं तो ये इंसान आपको उन सब से ऊपर रखते हैं, भले बिहेवियर इनका जैसा भी होता है लेकिन उन सब से आपको ऊपर रखते हैं, ऐसी एनर्जी है। और अगर आपको ये इंसान एडजस्ट करने के लिए कहते हैं कि एडजस्ट करो, तो इसलिए क्योंकि इनको पता है कि आप एडजस्ट करोगे, और कोई नहीं एडजस्ट करेगा, आप करोगे, इनको पता है, ठीक है। लेटर ओ दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली,
इनको लगता है कि आपके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर आपके ऊपर ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दे रहे हैं कि आपको ऐसा बिहेव करना है, वैसा बिहेव करना है, इतना एडजस्ट करना है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो इनको लग रहा है कि या तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर ये इंसान आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं जिससे कि आप टायर्ड होते हो। ठीक है, एक गिफ्ट की एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, कुछ गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। एंड अगेन एक हार्ट की एनर्जी दिख रही है मुझे। इनको स्ट्रेंथ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, या तो ये इंसान स्ट्रेंथ में है इसलिए ये इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेट हो रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एक प्रेयर की एनर्जी है, या तो प्रेयर करते हैं या फिर मैनिफेस्ट करते हैं। विनोद नाम दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो किसका नाम है विनोद। एक वाव एनर्जी भी है, वाव, तो आप लोगों के लाइफ में कोई वाव मोमेंट आने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। एक घर की एनर्जी भी यहाँ पे है, ये इंसान चाहते तो हैं कि आपसे यू नो घर, आपके साथ एक घर हो, आपके साथ रहें, स्टेबिलिटी रहें, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब एक एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे एक दूसरे के टूवर्ड्स फेस है और एक घर है, मतलब यू नो प्यार से रहें आपके साथ, ये चाहते हैं स्टेबिलिटी रहें, ये चाहते हैं। चीज़ें नहीं होती है वो अलग बात है, चीज़ें आप दोनों के बीच सही नहीं होती है वो अलग बात है। सो ये इंसान रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनकी विश हो आप, ये आपके साथ जुड़ना ज़रूर चाहते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्रोमाइज़, एक ज़रूर चाहते हैं आपके साथ चीज़ें सही करें, कोई डिसीजन वगैरह लेना ज़रूर चाहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब ड्रॉप जो गिर रहा है ना वो नहीं गिर रहा है, मतलब ये इंसान अभी चुप रहेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और जब ये बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देंगे, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के बारे में इंसान सोच रहे हैं। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप दोनों की भी स्टेबिलिटी आ सके, बार बार जो अलग होते हुए आप लोग ऐसा ना हो, और कुछ स्टेबिलिटी ये चाहते हैं। मुझे लियो साइन दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई अटैकिंग चीज़ भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, आई डोंट नो किसके लिए है ये, किसके साथ रेजोनेट होंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ एक अटैकिंग दिख रहा है मुझे। ठीक है, कुछ अटैक आपके ऊपर करवाना चाहता है कोई, और ये इंसान प्रोटेक्ट करते दिख रहे हैं आपको। अटैकिंग मतलब या तो वो फिज़िकल हो सकता है या फिर वो यू नो ब्लैक मैजिक एनर्जी से हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, या फिर पास्ट में कोई अटैकिंग हुआ है आपके ऊपर, ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोग ब्लैक मैजिक के चलते अलग हुए हैं मुझे ऐसा लग रहा है, कोई फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ है, और मुझे एजेड दिख रही है ये एनर्जी। सो मुझे स्पाउस नहीं दिख रहे हैं ये, या तो मदर या फिर ये सिस्टर हो सकती है ये। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है कि ये इंसान पास्ट में थोड़े प्लेयर एनर्जी में थे, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप इनके रहे हैं जिसके चलते आपका रिलेशन ख़राब हुआ है। और अभी ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, अरे उन्हें किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, एक बच्चे की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है यहाँ पर, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमेच्योर हैं, आप नहीं समझ पाएंगे इन चीज़ों को,
आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इन चीज़ों को, या तो आपको ऐसा लग, या तो ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप यू नो इमेच्योर एनर्जी आपकी है, या फिर कोई बच्चा इन्वॉल्व है यहाँ पे। सजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, ड्रॉप्स बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो। ये भी ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, ये भी शांत रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दिख रही है आप लोगों की, ठीक है। जो भी चीज़ें आप दोनों के साथ हो रही है ना, लेकिन आप लोग प्रोटेक्टेड हो, जिस लेवल में हो रही है उस लेवल में आप अफेक्टेड नहीं हो रहे हो, क्योंकि एक प्रोटेक्शन आप में है। एंजल्स की यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक प्रोटेक्शन आपको ज़रूर मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई एनर्जी काम कर रही है, ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ स्पेल वर्क, तो आप अपना ऑरा लॉक करके रखें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑरा लॉक नहीं होगा अगर, तो यू नो प्रोटेक्शन भी आपके लिए कोई काम नहीं आएगी। तो प्रोटेक्शन अपने आप को ज़रूर दें, ताकि जो हेल्प आपको मिल रही है, एंजल से सपोर्ट जो मिल रहा है, आप उसको पूरी तरह रिसीव कर पाओ। मुझे एक रैबिट की एनर्जी दिख रही है, बेबी किसी का पेट हो सकता है, या तो आपका या आपके पार्टनर का। मुझे ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं ना, जैसे कि बहुत कॉपी करने वाले इंसान है ये आपको, ठीक है। जो आप करोगे ये इंसान वही करेंगे, या फिर ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो आप करोगे ये इंसान वही करेंगे, ठीक है। जैसा आप करोगे बिहेव, वैसे ये इंसान बिहेव करेंगे। क्या पता है आपको ये बोलना चाहते हैं, हो सकता है आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो आप करोगे ये वही करेंगे। मुझे कोई बीमारी भी दिख रही है यहाँ पे, कोई बीमार है जैसा लग रहा है। एक बटरफ्लाई की एनर्जी दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप दोनों का, बहुत ज़्यादा चेंज हुए होंगे आप और आपके पार्टनर, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बटरफ्लाई जो एनर्जी होती है ना, वो थोड़ी सी पेनफुल एनर्जी होती है, कि आपको टाइम लगता है ट्रांसफॉर्म होने में, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ ट्रांसफॉर्म हुए हैं आप दोनों, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, अगर आप मेल हैं तो आपकी आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं, आप बहुत लोगों से इन्वॉल्व हैं, अभी आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं, आप बहुत लोगों से चैटिंग कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है आपके लिए। क्योंकि मुझे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, यहाँ मुझे फेमिनाइन एनर्जी एक से ज़्यादा दिखी है। मतलब एक तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और एक बहुत एजेड एनर्जी है, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी एक यू नो पास्ट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में अगर कोई इंसान आपके लाइफ में था तो वो अभी भी है, और अभी एक लेडी दिख रही है जो कि थोड़ी एजेड है, एज में ज़्यादा है, या तो कोई बीमार है इनके घर पे जिसके चलते ये अपने आप को रोक रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और बीमारी ऐसी छोटी मोटी बीमारी मुझे नहीं दिख रही है, ये कुछ ऐसी बीमारी है जो कि हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं डेली। मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है यहाँ, ये या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, या फिर बातों को बहुत छुपाने वाले इंसान हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बातों को छुपा रहे हो,
क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये इंसान आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो ये बोलना ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बातों को छुपाते हो, अपनी बातों को नहीं बताते हो, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है। लेकिन मैनिफेस्ट करते ज़रूर दिख रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी प्रेजेंट की एनर्जी मेडिटेशन की है, जहाँ पर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन नहीं आती होगी तो प्रेयर कर रहे होंगे डिवाइन से, ईश्वर से। इनकी लाइफ में झमेले बहुत हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत सारे उलझने हैं, जहाँ चाह के भी इंसान सुलझा नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। स्मूथ नहीं है इनकी लाइफ, शांति और सुकून नहीं है। या तो फिर पैसों की जगलिंग होगी, या फिर घर पे क्लेश होगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही जहाँ पर इंसान बहुत दूर जाना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम से, अपने घर के प्रॉब्लम से, अपने लाइफ के प्रॉब्लम से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और सेम प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती है इनकी लाइफ में, मुझे ऐसा भी लग रहा है। मतलब हर बार के लिए अलग प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक ही प्रॉब्लम बार बार रिपीटेशन में चल रही है इनके लाइफ में। या तो हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे तो लग ही रहे हैं, पैसों का नुकसान हो रहा है तो हो ही रहा है, है ना। ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पर एक चीज़ बार 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 झेल रहे इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अच्छा, जो ब्यूटीफुल फेमिनाइन एनर्जी दिख रही ना मुझे, वो पास्ट की एनर्जी। इनको पास्ट में इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपसे, ऐसी एनर्जी है, जहाँ पे ये अभी अट्रैक्शन वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं। ये एक सुकून वाला रिश्ता आपसे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। इनके लाइफ में जो सुकून नहीं है ना, तो एक बात करके आपसे सुकून इनको मिलता है, बस वही चाहते हैं ये, ठीक है। सो ये मुझे ऐसे लोगों के लिए रीडिंग लग रही है ना, जिनको पता है कि मैरिज पॉसिबल नहीं है और बस कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। मतलब ऐसे लोगों के लिए मुझे ज़्यादा लग रही है आज की एनर्जी। जहाँ या तो कोई डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच, कास्ट का, या फिर एज का, या फिर यू नो अलग अलग जगह आप लोग रहते हो, ऐसी कुछ एनर्जी, जहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, मैरिज पॉसिबल नहीं दिख रही है, लेकिन ये स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं। मतलब एक घर और आप दोनों का साथ ये ज़रूर चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक फोर ऑफ वॉन्स की एनर्जी दिख रही है बेसिकली यहाँ पे, जहाँ पे मैरिज ज़रूर है इनके दिमाग में। मतलब फोकस पूरा मैरिज पे ही है, मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन उसको कैसे अचीव करें ये इनको नहीं पता है, ठीक है। और बहुत प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं आप लोग, एंजल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत सारे नंबर्स दिखते होंगे, रिपीटेड नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज आप दोनों के साथ बहुत ज़्यादा होते होंगे, कोई स्पेशल वीडियोस बहुत पॉपअप होते होंगे, कुछ यू नो अलग अलग चीज़ें, ऐसे गाइडेंस वगैरह आप लोगों को मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो भी नुकसान पहुँचा रहा है कोई आपको या इनको, फिर भी आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं, या फिर ये इंसान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है, ये सब बोलना चाहते हैं आपसे। आपकी एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कुछ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी यहाँ दिख रही है। सो मैं कैंडल को भी रख दे रही हूँ, ओके। मुझे यहाँ एंजल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, एक रफ्तार की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि ग्रोथ हो, एक रफ्तार बढ़े आप दोनों के बीच। जो स्टक एनर्जी है उसमें एक स्पीड आए ये चाहते हैं, लेकिन ये अभी के लिए ये इंसान मैनिपुलेटिवली अपने लाइफ के सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। स्कॉर्पियो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। सो कुछ मैसेजेस हम देखेंगे, वेट, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज।
नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट एनी वन द वे आई फील फॉर यू, आई थिंक यू आर लाइंग, इनको लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, मैंने बोला ना मैजिशियन की एनर्जी इनको ऐसा बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, कुछ चीज़ आप छुपा रहे हो, आई ट्राई टू कॉपी यू, मैंने बोला ना कि जैसे आप करोगे ना ये इंसान वैसे ही आपको करेंगे, मतलब वैसे ही बिहेव करेंगे, आप जैसा बिहेव करोगे ये इंसान आपके साथ वही बिहेव करेंगे, ठीक है। आई मिस योर टच की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ ये बोलना चाहते हैं कि आपके टच को मिस कर रहे हैं, इंटीमेसी को मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ। आई वॉन्ट टू मैरी यू, यही एनर्जी है, ये इंसान शादी करना चाहते ज़रूर है लेकिन अभी मैनिपुलेटिवली बिहेव कर रहे हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, वाह शायर बन गए हैं आपके पार्टनर। आई मिस यू टेरेबली की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं लेकिन अभी शांत रहेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, तो आप ऐसा दिखा रहे होंगे कि ये आप किसी और के साथ हैं अभी, या फिर इनको अपने अपने सोच के जेलस हो रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आपसे डर भी रहे हैं कि आप समझोगे कि नहीं पता नहीं कि सिचुएशन को। आई एम इन पेन, मैंने बोला ना कुछ है जहाँ पर ये तकलीफ में है लेकिन ये बोल नहीं रहे आपसे, ठीक है। आई मिस योर स्मेल, एक इंटीमेसी की एनर्जी ज़रूर है, इंसान इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे, अभी की एनर्जी नहीं दिख रही लेकिन ये पास्ट में इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड थे। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो आपसे आप मैं खुली आंखों से आपका सपना देख रहे हैं, ठीक है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, क्या बात है, आज की एनर्जी ऐसी है इनकी। हद की एनर्जी तो इनकी नहीं होती ऐसी, लेकिन आज की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ अपनी लाइफ दे सकते हैं इंसान, और कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि आप सेफ रह सकें, इसलिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से आप लोगों को, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल।